बार फिर से अपनी उपस्थिति में ठहरने के लिए साथ है कि हमें आराधना करने में हम सबको भागी किया प्रभु के उस प्रेम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज के सप्ताह से तुम्हारी में चर्चा काम चल रहे चलेगा जिसके कारण कई सारे मीटिंगे जो है हो नहीं पा रहा, लेकिन प्रभु की दया रहा तो इस सप्ताह से फिर से बुधवार दोपहर 2 बजे श्री शुक्रवार सुबह 10 बजे और रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएगी। हर प्रार्थना के साथ आए सबों को आशीष से भरपूर करें। हर बात में हम महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप लोग जरूर प्रार्थना करें हमारे के चर्च निर्माण के कार्य के लिए। आगे हो सके इस सप्ताह में जो कालम डाले जा रहे हैं कालम का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे पैसे खर्च होगा वो पूरा लिंटर का काम शुरू हो जाएगा। प्रार्थना करें प्रभु हर एक बात पर अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करें। हालेलुया सारी अद्भुत महिमा हम प्रभु को देते हैं। प्रभु जब तक हमारे को संभाला है वो स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारे को संभालो जाकर के आगे। हालेलुया। आइए हम सीधा आज के सुबह परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और बीते समय से हम जो वचन सीख रहे हैं उसको एक बार फिर से निकाल कर आप पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 6वें अध्याय उसका पहला दूसरा जब यशायाह को परमेश्वर बुलाया हम हर एक को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। हम कोई भी अपने आप से प्रभु के पास नहीं आ सकते जब तक प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमको ये बात प्रकट न करे कि हम प्रभु के पास जाएं। हालेलुया। तो स्वर्ग के परमेश्वर ने ही हमको अपने पास बुलाया है और जब हमको परमेश्वर अपने पास बुलाया है तो विशेष उद्देश्य के साथ बुलाया हुआ है। हर एक के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। आपको जब प्रभु ने अपने निकट में बुलाया है आपके पीछे आपके जीवन के पीछे परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है और परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। लेकिन वो महिमा प्रकट होगा आपका जीवन को आशीषों से भी भरेगा। हालेलुया। निर्बलताएं तो निर्बलताओं को दूर करेगा। आपकी हर प्रकार की आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करके आपकी बुलाहट में प्रभु सब चीज को क्या करेगा आशीष करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया बाइबल बताती है जब उसके 24 अध्याय के पहले पद को पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया बढ़ाया और आशीष भी दिया। परमेश्वर जो है जब अपने लोगों को बुलाता है उनको आगे बढ़ाता भी है। मसीह जीवन में परमेश्वर आपको आगे में लेके जाना चाहता है और जब जैसे ही आप मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे हालेलुया बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राहम जैसे ही मसीह में आगे बढ़ता गया परमेश्वर ने उनको क्या किया आशीष दिया। हम भी जब एक पेड़ के नाए जब हम मसीह में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे एक आएगा हमारे जीवन में समय जिसमें हम मसीह के उस फल को मसीह के उस आशीष उस अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हम हर एक को बुलाया है और हम हर एक को चाहता है कि हम मसीह में आगे बढ़े और मसीह के उन अनुग्रह और आशीषों को क्या करें प्राप्त करें। इन सब के साथ हम मसीह के उस अनंत काल के जीवन को जो स्वर्गीय जीवन है उसको क्या करें प्राप्त करें। हालेलुया। ये कार्य के लिए परमेश्वर ने हमारे को क्या किया बुलाया यशायाह को बुलाया। कौन से वर्ष में जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा परमेश्वर ने यशायाह को अपने निकट बुलाया। हमारे भी जीवन में एक उज्जियाह जो पाया जाता है बीते जीवन में बीते समय मैंने बताया था वो उज्जियाह हो सके हमारा कमांड है हमारा धन है हमारा दौलत है जिसके पीछे भागते हैं। बाइबल बताती है क्या होना चाहिए मर जाना चाहिए। हालेलुया। जैसे उज्जियाह मर गया ये यशायाह जब प्रभु की उपस्थिति में आया प्रभु ने देखा कि अब एक राजा उज्जियाह राजा तो मर गया लेकिन अब एक राजा जो है सिंहासन पर क्या है
विराजमान है और वो सिंहासन पर विराजमान हालेलुया जो था वो कोई साधारण नहीं है। बाइबल बताती है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था जिसके वस्त्र के तेज से सिवा मंदिर क्या हो गया, भर गया। हालेलुया, जब हमारे जीवन के हम उस ज्या को मारेंगे, हमारे लिए एक राजा जो है हर समय हर क्षण हमारे लिए क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। हमारे देश को जो कुछ भी आवश्यकता होता है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारा देश का सरकार खड़ा रहता है। वैसे ही हमारे निर्बलताओं में, हमारे निर्बलताओं को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में कमी और घटी है उस कमी और घटी को दूर करने के लिए, हमारा परिस्थिति खराब है लेकिन उस परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा जो प्रभुओं का प्रभु है वो सर्वदा हमारे लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया, आपकी हर परिस्थिति में वो आपके संग और साथ में खड़ा रहेगा। बस चाहिए कि जब हालेलुया हम उज्जिया को अपने जीवन से मारेंगे वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया, और साथ ही साथ वो सिंहासन पर विराजमान था उसका वस्त्र के तेज से क्या हो गया, मंदिर भर गया। हालेलुया, हालेलुया, हमारा जीवन को परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीषों से क्या करेगा, भरपूर करेगा। हालेलुया, आज आपके पास कुछ नहीं है, आपके जीवन में कमी और घटी से गुजर रहे होंगे, निर्बलताओं से अनेक परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। हालेलुया, आप परमेश्वर को अपना राजा बना लीजिए, आपसे कहना प्रभु मेरे जीवन का राजा तू है, हालेलुया मेरे जीवन का अगुवाई करने वाला तू है, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा जीवन जीऊंगा। और जब आप जिएंगे, बाइबल बताती परमेश्वर इस अपने मंदिर को अपने आशीषों से भरपूर करेगा। हालेलुया, अपने देश से भर देगा। यदि उसने मूसा के जीवन को अपने देश से भर दिया है, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन को देश से भर देगा। हालेलुया, यदि स्तिफनुस का चेहरा उस मृत्यु के समय में चमकने लगा है, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। हालेलुया, मरते दम तक वो तेज आपके जीवन से जाएगा नहीं। हालेलुया, मृत्यु के समय में भी एक भारी प्रकाशमान के साथ हालेलुया स्तिफनुस के चेहरे पर वो तेज काम करता था। हमारे जीवन में हालेलुया जब हम इस पृथ्वी से अलग होंगे, हालेलुया अलग होंगे तो भी वो तेज हमारे जीवन से कभी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हमारी प्रार्थना है, हम प्रभु से इन दिनों प्रार्थना करें कि प्रभु उस देश से भरपूर होने के लिए जो हमारे जीवन को जिया है उनको मार डालने में तू हमारी सहायता कर। हालेलुया, एक राजा है उसको मार डालने के लिए सहायता कर ताकि प्रभु हमारे जीवन का राजा आप बन जाए। हालेलुया, ऐसा हुआ और बीते दिनों में हम इस बातों को देखे हुए थे। और यशायाह जब देखा तो दूसरे पद में लिखा है उसको ऊंचे पर क्या किया, एक शराब दिखाई दिया। और इस शराब वही बीते समय में मैंने इनके बारे में बताया था, ये शराब जो है प्रधान स्वर्गदूतों के नीचे में रहने वाला कौन है, स्वर्गदूत है। हालेलुया, और ये स्वर्गदूत को जैसे ही देखा वो अधीन में रहने वाला स्वर्गदूत था। हाँ, बीते समय में हमने इस बातों को देखा कि अब्राहम जो है अपने कष्टों और क्लेश की परिस्थिति में, निराशा की परिस्थिति में, चिंता के साथ अपने आप को परमेश्वर की क्या कर दिया, अधीन में कर दिया। उन हमारे भी जीवन में हमारे कष्ट और क्लेशों की परिस्थिति में हम अपने आप को कई बार संसार के अधीन कर देते हैं, लोगों के अधीन कर देते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हम उस परिस्थिति में मुआ अब्राहम के समान हमको अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना चाहिए। और जब अब्राहम ने जब अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया, बाइबल बताती है 100 वर्ष की उम्र में भी परमेश्वर ने उसके मरे हुए दशा में फिर से क्या कर दिया था, जान डाल दिया था। और स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको याद रखना एक अच्छा संतान प्रदान किया। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो आपके जो न्याय भी काम करेगा। यदि आज अपने कष्ट और क्लेश में हम कई बार दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इधर देखना है, उधर देखना है, लेकिन नहीं, हमको किधर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। से लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, सबको कभी काला होने ना पाया। यदि हम उस परिस्थिति में प्रभु की ओर देखेंगे तो मालूम है उस परिस्थिति में प्रभु कभी हमको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, उस परिस्थिति में हमको हमेशा ऊंचे उठा करके रखेगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे ही हम अपने आप को अधीन में रखें। और आगे लिखा है और जो स्वर्गदूत देखा तो लिखा है दो पद, उससे ऊंचे पर शराब दिया और उनके छह पंख थे, दो पंख से वे मुंह को ढापे थे और दो से अपने पांवों को और दो से उड़ रहे थे। अब आज इस दूसरे पद को प्रभु का दया है तो हम आगे देखेंगे। यशायाह देख रहा है एक स्वर्गदूत शराब को देखा। हालेलुया, हालेलुया,
ये दूत क्या है पहले पढ़िएगा, यहाँ प्रकाशित वाक्य दो अध्याय का पहला वचन को पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। बस देखो क्या लिखा है, इफिसुस के कलीसिया के दूत को यह लिख, हर मसीही कोई गांव कोई नगर में रह करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को बाइबल बताती है परमेश्वर का दूत बोला गया है। क्या बोला गया? दूत बोला गया है। और वैसे ही सेवक लोगों के लिए भी पौलुस अपने आप में बोलता है कि हम उसके क्या है, राजदूत है, कलीसिया का विश्वासी एक दूत है और सेवक राजदूत है। और बाइबल बताते हैं यशायाह एक ऐसे ही दूत को देख रहा है जो शराब का मतलब शराब प्रधान स्वर्गदूतों के अधीन में रहने वाला एक स्वर्गदूत को देख रहा है। अलग एक ऐसे कलीसिया को वो देख रहा है जो अधीनता के साथ क्या कर रहा है, जीवन जीता है। आज परमेश्वर ऐसे कलीसिया देखना चाहता है जो हालेलुया जो स्त्री हो इस कलीसिया के अंदर तो अपने पति के अधीन रहे, हालेलुया पति हो तो अपने माँ बाप के अधीन में रहे, बच्चे हैं माँ बाप के अधीन रहे। और ऐसे वो ऐसे अधीन कलीसिया को देखना चाहता है जो अगवे के अधीन रहे, हालेलुया ऐसे ही अधीनता भरे कलीसिया देखना चाहता है जो प्रभु के अधीन में रहे। हालेलुया हर क्षेत्र में वो परमेश्वर ऐसे ही देखना चाहता है। और जिसने एक दूत को देखा वो दूत था वो अधीन में रहने वाला एक दूत था। इसने जिब्राइल स्वर्गदूत को नहीं देखा और नहीं लूसीफर को नहीं देखा नहीं मिकाएल को नहीं देखा, परंतु इसने एक ऐसे स्वर्गदूत को देखा जो न तो इसके लिए हालेलुया संदेह लेकर आएगा नहीं, संदेश लेकर नहीं आएगा, इसके लिए ताकत लेकर नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए लेकर जरूर आया है वो कुछ ना कुछ। लेकिन मालूम है हालेलुया इसने एक ऐसी दूत को देखा जो मालूम है अधीनता के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू है। आज परमेश्वर एक ऐसे कलीसिया को देखना चाहता है जो हालेलुया हर परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखे। आज कलीसिया को चाहिए कि आप अपने परिस्थिति के अधीन मत हो जाइए, दर्द और पीड़ाओं के अधीन मत हो जाइए, तकलीफों के अधीन में मत हो जाइए, गरीबी के अधीन में मत हो जाइए, धन और दौलत के अधीन में मत हो जाइए, परंतु अपने आप को जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया हालेलुया आपके परिवार के अधीन रहना है लेकिन परिवार के अधीन के साथ आपको परमेश्वर के अधीन में रहना है। हालेलुया। और इसने जब दूत को देखा, ये दूत वही है कलीसिया, और ये दूत के छह छह क्या है, आज कलीसिया उड़ने के लिए याद रखना उनका पंख होना चाहिए। हालेलुया उड़ने के लिए क्या होना चाहिए, पंख होना चाहिए। हालेलुया कितने लोग उड़ना चाहते हैं लेकिन पंख है कि नहीं है नहीं। अब बिना पंखा हालेलुया अब चिड़िया जो है एक पेड़ के ऊपर लंबे पेड़ के ऊपर क्या रखा करता है, घोंसला बना करके रखे, उसमें क्या रखेगा वो अपने बच्चे रखेगा। लेकिन वो बच्चे को चिड़िया कब गिराता है मालूम है, जब देखता है उसका पंख आ गया है, पंख में वो थोड़ा क्या कर सकता है उड़ सकता है, तब जाकर के वो चूजे का हालेलुया तो चिड़िया का जो माँ है वो क्या करता है मालूम है, घोंसले को तोड़ता है ताकि वो नीचे गिरे और क्या करे उड़ना। क्या आज कलीसिया के पास पंख है कि नहीं, हालेलुया क्या आज कलीसिया के पास पंख है कि नहीं। बाइबल बताती है जब यशायाह ऐसी के 40 अध्याय को देखिए एक वचन पढ़िए उसको पढ़िएगा उसके बाद आगे जाएंगे। 40 अध्याय और उसका पढ़िएगा इकतीस पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे युकावों के समान क्या करेंगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया को काफ से नहीं उड़ाना चाहता है,
एक ऐसी उड़ान उड़ाना चाहता है जिसमें कोई चिड़िया वहां तक पहुंच नहीं सकता। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सारे चिड़ियों में क्या करता है, सबसे ऊंचे उड़ान भरता है। और परमेश्वर चाहता है अपने कलीसिया को उससे भी क्या करे, ऊंचे उड़ान उड़ने के लिए सहायता करे। हालेलुया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपनी कलीसिया को उकाब के नहीं क्या करना चाहता है, उड़ाना चाहता है। लेकिन क्या आज कलीसिया उड़ने के लिए, मसीह में आशीषों को देखने के लिए, अनुग्रह को देखने के लिए, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या आपके पास पंख है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास पंख रहता है? वो पंख जो है, हालेलुया, कलीसिया से उड़ जाने वाला पंख। हालेलुया, पंख कई प्रकार की यदि देखें तो पंख है, कलीसिया से उड़ जाने वाला पंख नहीं होगा, कलीसिया में बने रहने वाला। हालेलुया, इसने स्वर्गदूत को जब देखा, सराप को जब देख रहा है, इसके कितने पंख है? छह छह पंख है। और बाइबल बताती है इसने दो पंख से मुंह ढापा है, दो पंख से अपने पैर को ढापा है, और दो पंख से क्या करता है, उड़ रहा है। मतलब हालेलुया, ये छह पंख, मैं इसमें एक ही पंख के बारे में आपको बताता हूं, जो जिस पंख से इसने क्या करके रखा, अपना मुंह को ढाप करके रखा। ये जब दूत को देखा, ये दूत के छह पंख है, और छह पंख पर याद रखना, परमेश्वर ने इसको स्वर्गदूत को दिया है छह पंख। आज कलीसिया को भी परमेश्वर ने पंख दिया ताकि वह उड़ सके, और परमेश्वर चाहता है कि हम उड़ने के लिए, वो छह पंख में हम नहीं उड़ सकते, उड़ना है दो ही पंख आएगा, लेकिन बाकी जो चार पंख है ना, हमारे उस याद रखना, उसके लिए उस चिड़िया को, उस दूत को उड़ने के लिए कंट्रोल पावर है। आप जहाज उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन वो जैसे ही लैंडिंग करता है, जमीन के नीचे आता है, उसमें बड़े बड़े टायर लगे रहते हैं। आपने ट्रैक्टर का टायर देखा होगा, लेकिन उससे भी बड़ा रहता है वो टायर। वो टायर जैसे ही याद रखना है, ये जहाज उड़ने के लगता है, उसका बटन रहता है, बटन को जैसे ही दबाएगा, वो उसका जो टायर है, जो चक्का है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, अंदर चले जाएगी। यदि वो टायर बाहर रहा तो जहाज जो है ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाएगा। यदि थोड़ा सा भी हवा ज्यादा पड़ा, वो फ्लाइट नहीं बचेगा। हालेलुया। और उसके बाद जैसे ही नीचे आता है, नीचे लैंडिंग करने वाला आता है, उस टायर को फिर से क्या करते हैं, नीचे लाते, कंट्रोल करते हैं। आज कलीसिया याद रखना, कलीसिया का छह पंख है, कि दो पंख से ही उड़ पाएगा, बाकी जो चार पंख है उनके लिए कंट्रोल पावर है समय के अनुसार। मैं आज वही कंट्रोल पावर के बारे में बताऊंगा, जिस दो पंख से वो स्वर्गदूत अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, नियंत्रण में रखा हुआ है। और बाइबल बताती है ये दूत कौन है, आपने जान लिया, ये सराप दूत। और प्रकाशित वाक्य दो अध्याय पहले वचन में लिखा है कि इफिसुस के कलीसिया को दूत को क्या कर ले, यह लिख, आज की कलीसिया परमेश्वर को, परमेश्वर जो है आज की कलीसिया को एक दूत के रूप में देख रहा है। इफिसुस की कलीसिया के में जब लिखा हुआ, आज की कलीसिया के बारे में लिखा गया था। हालेलुया। और आज की कलीसिया के दूत लोगों को, आज की कलीसिया के विश्वासी को परमेश्वर कहता है कि ए कलीसिया के दूत, क्या आज तेरे पास वो पंख है कि नहीं? हालेलुया। आज नहीं है तो प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हमारे जीवन में वो छह पंख हमको प्रदान कर, ताकि हालेलुया हम अपने आप को कंट्रोल में करके रख सके, और जिस पंख से आप हमको उड़ाना चाहते हो, उस पंख से हम क्या कर सके, उड़ सके। हालेलुया। और ये सराप को जैसे ही देखा, इसके छह छह पंख है, और दो पंख से क्या करके रखा, इसने अपने मुंह को ढाप करके रखा हुआ है। बाइबल बताती है आज कलीसिया, हालेलुया, बहुत ज्यादा मुंह खोलने वाला कलीसिया बन गया, चपड़ चपड़ करने वाला कलीसिया के पास में परमेश्वर ने पंख दिया है, और पंख दिया इसलिए कि वो अपने मुंह को जो गंदी बात, आज कलीसिया जो है मुंह को, याद रखना, गंदी बात बोलने के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या रखे,
ढाप करके रखे, कंट्रोल में रखे। ये शराब को जो देख रहा है, ये दूत जो है, हालेलुया, दो पंख है इसके पास और दो पंख से अपने मुंह को क्या रखे रखा है, ढाप करके रखा हुआ है। हालेलुया, क्या आज कलीसिया के पास ये पंख है? आज घर परिवार में, कलीसिया परिवार में कई सारे बात होते हैं, कई सारे उलझने आ जाते हैं और कलीसिया के आज लोग जो है अपने जवान को, अपने मुंह को कंट्रोल में करके नहीं रखता। हालेलुया, यदि आज कंट्रोल में नहीं है, हालेलुया, वो मैंने बताया, वो जहाज का जैसे यदि टायर ऊपर नहीं जाएगा, वो जहाज याद रखना ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकेगा, वो गिर जाएगा। यदि आज आपका जवान को आपने अपने मुंह को ढाप करके नहीं रखा है, अपने अपने आप को, जवान को यदि आपने कंट्रोल करके नहीं रखा है, याद रखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ज्यादा दिन। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा दिन क्या नहीं करेंगे, नहीं टिकेंगे। परमेश्वर के वचन में सारे चीजों का क्या है, प्रमाण है। और कलीसिया को परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया देखना चाहता है जो अपने जवान को दुनिया की बातों से, अविश्वास की बातें बोलने से, गंदी बातें बोलने से क्या करके रखे, रोक करके रखे। हालेलुया, क्या करके रखे, रोक करके रखे। और कलीसिया का आज ज्यादातर मुंह खुला हुआ इसीलिए देखिए, जल्द इस पर सांस निकाल के पड़ेगा, याकूब की पत्री तीसरा अध्याय का पहले पद से पढ़िए। देखो क्या कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। बहुत सारे लोगों की इच्छा है उपदेशक बनने का, प्रचारक बनने का, बड़े बड़े काम करने का, प्रीचर बनने का, क्या है इच्छा है, सोच है, लेकिन बाइबल बताती है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत जो है उपदेशक नहीं बने। आप चाहोगे बोलना फिर भी बनने पर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताती है तुम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने। और आगे, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरे। और जितना उपदेशक है और जितना आपके मुंह से गंदी बात निकलता है, जितना अपने मुंह से आप झूठ बोलते हैं, जितना आप अपने मुंह से गाली बक रहे हैं और जितना आप अपने मुंह से अविश्वास की बातें बोल रहे हैं, ये सब आपको दोषी ठहराएगा। यदि कलीसिया आज अपने मुंह को ढाक करके नहीं रखा है, परमेश्वर ने पंख दिया है लेकिन उस पंख को आपने सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया, मालूम है बाइबल बताती है आप दोषी ठहराए जाए। आप तो दूसरे को उपदेश तो दे रहे हैं लेकिन आपका मुंह सही नहीं है, क्या बात बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बिना सोच विचार के जैसे पाते वैसे बोल देते हैं। ये लोग, ये ऐसे उपदेशक लोग जो गंदी बातें बोल रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, निंदा की बातें बोल रहे हैं, गलत बातें जो कलीसिया अपने मुंह से बोल रहे हैं, ये लोगों को बाइबल बताती है, कहता है कि जानते हो कि हम उपदेशक और भी क्या करेंगे, दोषी। ऐसे लोगों को परमेश्वर दोषी ठहराएगा। हालेलुया, दोषी ठहरा तो होगा क्या, दोषी ठहरा मतलब क्या होगा, दोषी ठहरा मतलब कलीसिया के लिए एक अलग जगह तैयार, दोषी कलीसिया के लिए, वो है आपका खून। हालेलुया, कलीसिया आज अपने मुंह को ढापना, क्योंकि बहुत सारे उपदेशक बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने याद रखना उपदेशक बनना भी है तो बाइबल बताती है आज एक कंट्रोल पावर अपने अंदर ले लीजिए। और आगे पढ़िएगा, दो पद क्या लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं, हम सब बहुत बार चुक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, जो नहीं चुकता वो सिद्ध मनुष्य है। आगे, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। देखो, घोड़ों को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, मुंह में लगाम लगाया जाता है। और आगे, तो हम भी उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं, और उसके सारी देह को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। उदाहरण दे रहा है याकूब, जब इस पत्री को लेकर आए कलीसिया को उदाहरण दे रहा है, एक जवान को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, अपने मुंह को कैसे ढांपा जा सकता है, इसके लिए बता रहा है।
हालेलुया, उस घोड़े को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उसके मुंह में क्या लगाया जाता है? लगाम लगाया जाता है। और उसके बाद उसको घोड़े को कहीं भी लेकर जाओ, कहां घुमाना है, क्या करना है, आप सब कुछ क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे आगे भी बोलिएगा। और एक बार देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार से द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। और एक छोटा सा पतवार के द्वारा जो जहाज का कैप्टन है उसको जहाज को जहाँ चाहेगा क्या कर सकता है, घुमा सकता है उसको। घोड़ा को कंट्रोल में रखने के लिए जवान में लगाम लगाया जाता है, जहाज को कंट्रोल करने के लिए उसमें छोटा सा क्या है, एक यंत्र है जिसके द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो किया जाता है। और बाइबल बताती है कलीसिया के अंदर में भी होना चाहिए, इसीलिए आगे पढ़िएगा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वैसे ही जीभ भी क्या है, छोटा सा अंग है, छोटा सा अंग घोड़े में लगाया जाता है, छोटा सा अंग वही जहाज में लगाया जाता है। और बाइबल बताती है कलीसिया के अंदर में भी एक छोटा सा अंग है, और आगे वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और ये बेजीवड़ा बड़ी बड़ी डींग मारता है। आज कलीसिया अपने मुंह से डींग मारने वाले हैं, तो मुंह थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि इसके बाद आपका दोषी ठहराया जाना। हालेलुया, ये आपको क्या करेगा, बाइबल बताती कल के विषय, कल के दिन के विषय में तू क्या मत कर, डींग मत मार, क्योंकि कल क्या होने वाला है तो। हालेलुया, बहुत सारे लोग ऐसे डींग मारने वाले लोग, वचन को जानता भी नहीं और मालूम है बहुत बड़े बड़े क्या करते, उपदेश देते रहते। हालेलुया, कई सारे लोग पूछ रहे हैं लेकिन डायरेक्शन ऐसे मारेंगे कि मेरे पास सब कुछ है। ये सब क्या है, दोषी लगाने वाला, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट है। ये हमको मसीह में उड़ने नहीं देगा, मसीह के आशीषों को प्राप्त करने नहीं देगा, मसीह में ऊंचे स्थान तक हमको पहुंचने नहीं देगा। इसको कंट्रोल में रखना आज कलीसिया, हालेलुया, क्योंकि ये जीव छोटा सा अंग है और ये क्या करती है, बड़े बड़े डींगे मारती है। और आगे देखो, थोड़ी सी आग से, और थोड़ी सी आग से इतने बड़े वन में आग लग जाती है, छोटा सा आग पूरे जंगल को आग लगा देते हैं, वैसे ही जीव भी क्या है, आग है। हाँ, जीव भी क्या है, एक आग है, स्वर्गदूत दो पंख से अपना मुंह क्यों ढापा हुआ है, क्योंकि यदि उस मुंह से आग निकल गया ना, कोई नहीं बचने वाला। आज कलीसिया आपको आपके परिवार को बचाना है, आपका जीवन आपको बचा करके रखना है। ये जीव एक आग है और इस मुंह को आपको ढक करके रखना पड़ेगा, जबान को लगाम लगा करके रखना पड़ेगा। किसको क्या बात बोल रहे हैं, किसको क्या बात नहीं बोल रहे हैं, आपके जीवन में मालूम है, इस बातों के लिए सोच विचार करके आपके मुंह को याद रखना ढकना पड़ेगा, नहीं तो ये जीव एक आग है जो क्या करेगा आगे। जीव भी एक आग है, हाँ? जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोग है, अधर्म का एक लोग है। और आगे क्या होगा, सारी देह पर कलंक लगाती है, तेरा पूरा जीवन को लज्जित कर देगा, क्या करेगा, लज्जित कर देगा, बर्बाद कर डालेगा। आज कलीसिया का निंदा का कारण जो है, कलीसिया के आज मसीह लोगों का याद रखना जवान सही नहीं है। आज लोग बोल रहे हैं, अरे ये लोग तो प्रार्थना में जाता है, ईसाई है, लेकिन ये लोग रात दिन यार हूँ हाँ हल्ला, ये हो रहा है, वो उसको गाली बक रहा है, वो उसको झूठ बोल रहा है, वो उसके बोल रहा है, वो उसको निंदा कर रहा है, वो उसका चारी कर रहा है, उसका बुराई कर रहा है। बाइबल बताती है उसी बात को, इसी के कारण क्या हो रहा है, अधर्म का एक लोग है जो सारी देह पर क्या कर दे रहा है, सारी देह मतलब कलीसिया का हर एक एक लोग अलग अलग क्या है, शरीर है लेकिन देह एक ही है। बाइबल बताती है कलीसिया हम सब अंग, हम सब याद रखना मसीह के देह में से है, भले ही अंग क्या है हमारा, और सारी देह हम सब मसीह के एक एक देह,
और ये सारी देह पर एक व्यक्ति जब एक कलीसिया के मुंह का याद रखने कलीसिया का विश्वासी का जवाब सही नहीं है, उसका मुंह सही नहीं है, उसका जवाब सही नहीं है, झूठ बोल रहा है, निंदा कर रहा है, चारी विचारी कर रहा है, इसके कारण सारी देह पर सारी कलीसिया पर क्या लग रहा है, कलंक लग रहा है। एक विश्वासी का जवाब याद रखना पूरे कलीसिया का ठोकर का कारण बन रहा है। आज प्रभु से प्रार्थना करो कि मालूम है प्रभु हमारे जीवन में एक अनुग्रह कंट्रोल पावर दे जिससे हमारे जीवन से हमारे देह के द्वारा सारी कलीसिया का ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए परंतु हमारा जीवन कलीसिया की उन्नति का कारण बनना चाहिए। ये जीवन सारी देह पर क्या लगा के रखा, कलंक लगा देता है, पूरे कलीसिया को बर्बाद कर देता है। कलीसिया का जवान सही ना होने के कारण आज कलीसिया उन्नति को देख नहीं पाता है, कलीसिया आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रहा है, आत्मिक रीति से आज कलीसिया यहाँ सुशित नहीं हो पा रहा है, वचन जा रहे लेकिन वचन की सामर्थ देख नहीं पा रहा है, विश्वास कर रहे लेकिन विश्वास के द्वारा काम नहीं हो रहा है, हालेलुया हालेलुया विश्वास की बातें घर में बोल रहे हैं लेकिन वो अविश्वास का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देह ये जवान को आज कलीसिया क्या नहीं रखा, कंट्रोल में नहीं रखा है, ढाप करके नहीं रखा है। आज पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में पूरा दुनिया भर में रोम की कलीसिया के विश्वास की चर्चा हो रहा है। क्या आज कलीसिया आपकी कौन सी बातों की चर्चा कर रहा है लोग? क्या आपके मुंह से निकलने वाला झूठी बातों की चर्चा कर रहा है? आपके मुंह से निकलने वाली निंदा की बातें का चर्चा कर रहा है? आपके मुंह से निकलने वाले गाली का चर्चा कर रहा है? बाइबल बताती है रोम की कलीसिया का चर्चा एक ही बात में हो रहा था, उनके विश्वास की चर्चा पूरा दुनिया भर में फैला हुआ था। आपके जीवन के मालूम है आपके गंदे बातों का चर्चा दुनिया में नहीं होना चाहिए, आपके विश्वास की चर्चा दुनिया में होना चाहिए। भारतवार की कलीसिया के विश्वास की चर्चा मालूम है पूरा दुनिया भर में फैल जाना चाहिए। आपके हालेलुया आपके मुंह से निंदा की बातें नहीं कर रहे, झूठ की बातें नहीं कर रहे, गंदी बातें नहीं कर रहे, ये बात का चर्चा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो समझ लेना आप पूरे कलीसिया के लिए ठोकर का कारण। और आज कलीसिया बहुत सारे लोग जो है आज कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बन गया क्योंकि उनका जवाब सही नहीं है, उनके मुंह से जो बुराई निकल रहा है उसी के द्वारा चर्चा हो रहा है कलीसिया में, गांव में, लोगों के बीच में उसी का चर्चा किया जा रहा है और कलीसिया का आगे निंदा हो रहा है। कलीसिया का निंदा नहीं होना चाहिए, उनके विश्वास का चर्चा होना चाहिए ताकि पूरा दुनिया भर में विश्वासी बढ़ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज लोगों की निंदा की चर्चा होता है, अरे फलाना विश्वासी ऐसा है, फलाना विश्वासी गंदा काम कर रहा है, वो ऐसा है। ये बातों का यदि चर्चा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मालूम है? केवल जीभ मुंह के कारण। क्या आज आप अपने मुंह से झूठ बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं आज? उसका चलिए बुक का पत्री जल्दी से आगे पढ़ लीजिए, फिर आगे हम जाएंगे। आज का आगे पढ़िए। सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देते हैं। जीवन गति मतलब मसीह में मिलने वाला जो जीवन गति है ना, मसीह में जीवन मिलने वाला है स्वर्गीय जीवन, उस जीवन को हटा करके क्या कर देती है? हालेलुया नरक कुंड के आग से जलती रहती है, नरक कुंड में सीधा लेके जाए। हालेलुया आगे आइए आगे। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और वो भी गए हैं,
परजीव को मनुष्यों में से कोई वश भी नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष के समान भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साफ देते हैं। आज क्या कर रहे लोग इधर आकर किसी मुंह से प्रार्थना कर रहा है, इसी मुंह से जाकर के दूसरे को क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है, दूसरे का निंदा कर रहा है, दूसरे का बुराई कर रहा है, दूसरे के विरुद्ध में झूठी बातें बोल रहा है। और इसी कारण आज कलीसिया एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा रहा था लेकिन अभी भी नीचे दशा में पड़ा हुआ है। हालेलुया। आज कितने कलीसिया है जो मालूम है यहाँ से विश्वासी लोग मालूम है अन्य जाति के पास जाकर के बुराई करता है। इसीलिए पौलुस जो है हालेलुया तुरंत की कलीसिया के बारे में बोलता है, क्या तुम अपना न्याय करने के लिए अन्य जातियों के पास में जाते हो? आज कलीसिया अन्य जाति के पास में जाकर इधर उधर बातें बोलता रहता है, जो विश्वास में नहीं है उनके पास में जा करके अरे ले कलीसिया गड़बड़ है, उसका निंदा कर रहा है, उसका बुराई कर रहा है, अपने ही देह पर क्या कर रहा है, कलंक लगा रहा है, श्रापित बन जा रहे ऐसे कलीसिया। प्रभु का वचन कहता है, याकूब कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया के दूत को एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप, ऐसी एक ही मुंह से स्तुति करने वाला जीवन नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया अपने मुंह ढाप लीजिएगा, अपने वो क्या कीजिएगा, ढाप लीजिएगा, क्योंकि यदि आपके मुंह से गंदी बातें निकल रहा है, माँ बाप को आप अपने मुंह से हालेलुया उसको श्राप दे रहे हैं। माँ बाप को याद रखना, जैसा पाते वैसा बोल देते हैं, जिसको पाते जैसा पाते वैसा बोल देते हैं। याद रखना तो पूरे कलीसिया के लिए कलंक का कारण है, पूरे कलीसिया के लिए क्या है, कलंक का कारण, निंदा का कारण बन गया आज। या आपने अपने मुंह को ढापा है, अब तक घर में थोड़ा बातचीत हो रहा है, क्रोध की बातें निकल गया, लेकिन मालूम है हालेलुया वही मुंह को ढाप करके रखने वाला नहीं है। क्या घर में थोड़ा बात हो गया, क्या आप मुंह अपने ढाप नहीं सकते? ये हालेलुया घर में कोई बात निकालने वाला शेर है तो बाहर सामने में रहने वाला सवा शेर बन जाता है। तू जितना गुर्राएगा ना मैं उससे डबल गुर्रा सकता। मैं आपको साबा बोल देता हूँ, ऐसा लोग कलीसिया के लिए कलंक है। भले आप याद रखना घंटों घंटा प्रार्थना करो, घंटों याद रखना सैकड़ों वचन जानते हो, कलंक का कारण ऐसे हो कलीसिया के लिए निंदा कारण बाइबल बताती है। और बाइबल बताती है कलीसिया को कलीसिया के उन्नति का कारण बनना चाहिए, आज विश्वासियों को कलीसिया के कलंक या निंदा करने का कारण नहीं बनना चाहिए। कलीसिया आपके प्रति परमेश्वर का एक योजना एक उद्देश्य है कि आपके विश्वास की चर्चा पूरा दुनिया भर में फैल जाए, ना कि आपके जीवन की बुराई के कारण पूरे कलीसिया पर क्या लगाया जाए, कलंक लगाया जाए, यह निंदा की बात हो रही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन से कलीसिया को प्रभु के सारी देह पर क्या लगे, कलंक लगे, परंतु यह चाहता है कि आपके विश्वास की चर्चा पूरा दुनिया भर में फैल जाए। इसलिए घर में वाद विवाद हो रहा है, थोड़ा जवान संभाल करके रखना। दूसरे को निंदा कर रहे हैं, थोड़ा जवान संभाल करके रखना। झूठ बोल रहे हैं तो थोड़ा जवान संभाल करके रखना। गंदी बातें मुंह से निकल रहे हैं तो संभाल करके रखना। गाली मुंह से निकल रहा है, दूसरे के लिए श्राप निकल रहा है, दूसरे के लिए निंदा की बातें नहीं कर रहा है, थोड़ा जवान क्या रखना, ढाप लीजिएगा। ढापने के लिए पंख कौन सा है बताऊंगा लास्ट में। हालेलुया हमारे जीवन में आज क्या आज हम अपने मुंह को ढापते हैं, क्या रोकते हैं आज हम अपने जीवन में, क्या आज हम कलीसिया की उन्नति का कारण बनते हैं? आज कलीसिया एक विश्वासी दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, दूसरे तीसरे के लिए चौथे, तीसरे चौथे के लिए ठोकर का कारण बन रहा है, कलंक लगाया जा रहा है आज कलीसिया पर, निंदा की बातें बोले जाते हैं कलीसिया के विरोध में। इसका कारण है कि कलीसिया को 6 पंख तो मिला लेकिन वो पंख का इस्तेमाल करना नहीं जानता है, कलीसिया को मुंह ढापना नहीं आता है। देखो पढ़ो इफिसियों 4 अध्याय
19 पद से पढ़िए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, पर आवश्यकता के अनुसार। क्या घर में कोई क्रोध की बातें बोलती है? क्या आपको याद रखना आवश्यकता है आपको भी और बोलने? नहीं, बाइबल बताती है अलग, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले परंतु आवश्यकता के अनुसार, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हाँ, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो क्या हो, दूसरे के लिए उन्नति का क्या बने, कारण बने। और आगे आगे भी क्या, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि क्या होना चाहिए, सुनने वाले पर अनुग्रह। क्या निकलता है आज, क्या दूसरे का निंदा करते हैं, दूसरे को बुराई करते हैं तो प्रभु को महिमा मिलता है, दूसरे का जीवन क्या आशीर्वादित हो जाता है। जब एक व्यक्ति के पास में आप जाकर दूसरे को बुराई करते हैं, एक तो आपका मुंह खराब हो, इससे आपका आत्मिक जीवन खराब होगा, दूसरा सुनने वाला उसका भी जीवन का लेखा आपको प्रभु देगा, क्योंकि उसके जीवन में बुराई भर रहा है, उसके अंदर में क्या डाल रहे हैं, बुराई का बीज डाल रहे हैं। और प्रभु ने हमको एक जीवित बीज दिया है, वचन का बीज दिया है, विश्वास का एक बीज दिया है, जिसको बोना परमेश्वर चाहता है। लेकिन आज लोग दूसरे के पास निंदा करते जा रहे हैं, निंदा की बीज बो रहे हैं आप, और उसके जीवन से निंदा ही निकलेगा, और जीवन जब नरक में जाएगा ना तेरे से लिखा लिखा होगा। इसीलिए कहा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो सुनने का, सुनने वाले के लिए क्या हो जाए, अनुग्रह हो, उनकी उन्नति के लिए काफी हो। और आगे इसीलिए कहा उसको 25 पद पड़ेगा, 25-26। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोले। घर से निकल रहा है दूसरे जगह जाने के लिए, लेकिन बताएगा दूसरे जगह झूठ बोलेगा, गलत काम करने के लिए जा रहा है तो झूठ बोल के जा रहा है, पांव भी गलत रास्ते में जा रहा है, जबान भी गलत रास्ते में जा रहा है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले। क्या बोलना है अपने पड़ोसी से, दूसरे का निंदा करना है, बुराई करना है, चारी करना है, विचारी करना है, क्या करना है, प्रभु बोलता है उसको सच बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। हालेलुया। क्या कलीसिया ऐसा करता है, क्या आप दूसरे को सच बोलते हैं? और आगे पढ़िए 26 पद, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बस क्रोध तो करो और पाप, थोड़ा गुस्सा हो गया ना एक दूसरे में, पारिवारिक माहौल में पड़ोसी के पास एक सच नहीं बोलेगा, लेकिन घर में भी जब समस्या आएगा ना तो घर में भी लोग अपने मुंह को कंट्रोल करने वाले नहीं, तब का मुंह चपड़ चपड़ चलता है, ऐसे लोग दोषी ठहरेगा। इसी रीति से आशीषित है, यदि आज आपको ऊंची उड़ान उड़ना है, याद रखना प्रभु में आशीषित जीवन देखना है, आपको मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके मुंह को ढाप करके रखना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि देखिए मरकुस अध्याय सुसमाचार, सात अध्याय और इसका आप पढ़ेंगे 20 पद से पढ़िएगा। जो मनुष्य में से निकलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर मनुष्य से कहा कि मनुष्य में से के मुंह से जो कुछ निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, मनुष्य के मुंह से जो कुछ आपके मुंह से निंदा लिख रहा है, इसके द्वारा आपकी पवित्रता जा रहा है। जब आप दूसरे का बुराई कर रहे हैं, आपकी पवित्रता जा रहा है। आप जब याद रखना दूसरे का निंदा कर रहे हैं, दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, आपकी पवित्रता जा रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गाली बक रहे हैं, या कोई भी गंदे शब्द का आप अपने मुंह से उपयोग कर रहे हैं, इससे मालूम है आपकी पवित्रता जो है भ्रष्ट हो रहा है, आपकी पवित्रता जा रहा है। बिना पवित्रता के साथ आप प्रभु की आराधना भी, याद रखना, आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। जो कुछ मनुष्यों के मुंह से निकलता है वो उसके द्वारा मनुष्य को क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हमारे जीवन में याद रखना एक अधर्म का
स्वभाव आ जाता है, बुराई का स्वभाव आ जाता है, जिसके कारण हम परमेश्वर के पास तक भी पहुंचना संभव है। और इब्रानियों की पत्री को पढ़ोगे एक बार मन फिराया हुआ व्यक्ति यदि दोबारा हालेलुया पाप में पड़ गया, इसके लिए दोबारा फिर मन फिराना होगा। वो आगे उसके लिए मसीह में बचने का भी कोई चारा नहीं है। इसलिए मालूम है आज कलीसिया को क्या करना चाहिए, अपने मुंह को ढांपने वाला होना चाहिए। आज क्या आपने अपने मुंह को ढांप करके रखा, क्या आपने अपने झूठे या झूठी बातें बोलने से रोक करके रखा है, क्या आपने मुंह से गाली बकना बकने से रोका, गाली बकने से रोक करके रखा है, क्या आपने दूसरे का निंदा और बुराई करने से अपने मुंह को रोक के रखे रखा है? यदि नहीं रोक के रखा है, इससे याद रखना आपका जीवन पवित्र नहीं है, अशुद्धता में है। और जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकल रहा है उसके द्वारा क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है, पापी बन जाता है, श्रापित बन जाता है। चलो इसीलिए आगे क्या लिखा, मुंह से क्या कहने करता है, आगे क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, अर्थात जो मुख से निकल रहा है ना सीधा मन से आ रहा है। हाँ, और आगे बुरे बुरे विचार, और मुंह से क्या क्या निकलता है, दूसरे के लिए बुरे बुरे विचार, दूसरे के लिए गलत सोच रखे रहते हैं। फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, आप थोड़ा सुधार जाइएगा। बुरे बुरे विचार, बेविचार, और बेविचार याद रखना मन से, मतलब जिसको बोला गया है कुदृष्टि, जो मन में याद रखना आंख से देखता है फिर मन में कल्पना करता है, इसीलिए लिखा उसको बेविचार। और आगे चोरी, और चोरी हालेलुया, मुंह से वह याद रखना मन में है, मुंह से आता है चोरी करना है, क्या चोरी करना है, कई सारी चोरी है हालेलुया। मसीह होने के बावजूद भी चप्पल चुरा लेते लोग, दूसरे का क्या कुछ नहीं चुरा लेते, इसके साथ साथ प्रभु का लिया अलग चोरा है, दान दशमांश को अलग चुरा लेते। और आगे हत्या, और हत्या भाई के प्रति सही नहीं है, भाई के लिए प्रेम नहीं है, हत्या की बात नहीं कर रहा है। बाइबल बताती है जो अपने भाई से बात रखता है कौन है, हत्यारा है। मुंह से बोलते रहते हैं मेरा उसके साथ नहीं जमने वाला, मेरा उसके साथ नहीं जमने वाला, मुंह से बोल ही रहे हो, ओ भाई ठीक नहीं, ओ भाई ठीक नहीं यार, वो मेरे पसंद नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, मेरा उसके साथ नहीं बन जमेगा, नहीं बनेगा, क्या बोल रहा है तू अपने मुंह से, ये जो तू बोल रहा है ना उसके साथ नहीं बनेगा, तू बोल रहा है तू हत्या कर रहा है, बोल दिया तूने हत्या हो गया तेरे अंदर से, तूने अपने भाई को गलत बोल दिया अपने मन में, बस तलवार से मारना क्या है, अंदर से हो गया तो हो गया, आपने कर डाला हत्या। हालेलुया, मुझसे क्या नहीं कर रहे आज, व्यभिचार, चोरी, हत्या, और पर स्त्री का, हाँ, दूसरे की स्त्रियों पर नजर डालना, और आगे लोभ, और लोभ, लोभी है, मुंह क्या बोल रहा है, मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसको लेना है, उसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं, लोभ लालच कर रहा है और मुंह से बोल रहा है मेरे को ये लेना है, वो लेना है। और आगे आगे दुष्टता, और दुष्टता की बातें, छल करते हैं लोग, दुष्पन, कुदृष्टि, दूसरे पर कुदृष्टि डालते हैं, निंदा, और निंदा करते हैं, दूसरे का चारी चुगली करते हैं, दूसरे के विरुद्ध में झूठी बात बोलते हैं, दोष लगाते हैं, आगे अभिमान, और अभिमान घमंड की बातें बोलते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, अरे क्या है आपके पास, आगे और मूर्खता निकलती है, और मूर्खता निकलती है, ये सब बुरी बुरी बातें, ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती है, कहाँ से निकलता है, भीतर से निकलता है मुंह के द्वारा, और आगे और मनुष्य को अशुद्ध करती है, मनुष्य से क्या हो रहा है, पापी चल रहा है, कलीसिया अशुद्धता में अभी भी कलीसिया, और बाइबल बताती है कलीसिया जो है तो कलीसिया को प्रभु कहता है कि तू अपने पिछले पापों से शुद्ध होना क्या हो चुका है, भूल बैठा हुआ है। देखो बहुत वचन को पढ़िएगा, पत्रस की पत्री एक अध्याय नौ वचन, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात दूसरा पत्रस, दूसरा पत्रस
ऊपर में कई सारे विश्वास की बातें बोला गया है, वो बात यदि नहीं है, वो अंधा है। वो कौन है? अंधा है, जो आप अपने मुंह को ढाप करके नहीं रखा हुआ है, वो कौन है? अंधा है। और आगे? और धुंधला देखता है। और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से दूर कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यही पुराना पाप, मसीह में नहीं थे तो भी दूसरे को बुराई करते थे, आज मसीह में आने के प्रभु इसलिए कहता है कि आज लोग कलीसिया जो है अपने पिछले पापों से शुद्ध होना क्या हो चुका है, भूल बैठा हुआ यार, क्योंकि मुंह से गंदी गंदी बातें निकाल रहा है। कलीसिया के विश्वास का चर्चा नहीं हो रहा है, परंतु मालूम है एक कलीसिया दूसरे देह के लिए कलंक क्या बन गया, कारण बन गया, दूसरे की उन्नति को रोक दिया है, कलीसिया को श्रापित बना करके रख दिया है। क्या है आज? अपने मुंह ढाप लीजिए कलीसिया, जवान को कंट्रोल में रखिए इन दिनों, यदि आप झूठ बोलते हैं आप कलीसिया के लिए श्रापित का कारण है। आप अपने घर में हालांकि अपने जवान कंट्रोल करके नहीं रख सकते, आप अपने परिवार के लिए श्राप का कारण है। आज कलीसिया के अंदर में क्या होती है? ये कंट्रोल पावर का हालेलुया। क्रोध कर रहे, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आता है ना तो लोग फिर आपका बुरा हो जाते हैं, किसी के अंदर में कंट्रोल पावर नहीं है, कोई अपने आप को नियंत्रण में हल नहीं रख रहा है, जैसा पा रहा है वैसा बोल रहा है, तो क्या हुआ? वो घंटों भर का प्रार्थना सब बेकार, हालेलुया। मालूम है वो तुम्हारा उपवास, तुम्हारा आराधना, तुम्हारा प्रार्थना सब, जब तुम मालूम है अपना मुंह कंट्रोल करके नहीं रखा, सब मालूम है सारे कोई तरह तक खत्म हो जाता। और इसके कारण कलीसिया आज अशुद्ध हो गया। और जब प्रकाशित वाक्य में सात कलीसिया के बारे में वर्णन करता है ना, वो कलीसिया को सातों कलीसिया का पाप के बारे में वर्णन करता है। कैसे तू अशुद्ध हो गया है, कैसे बुराई में आ गए तू तो? क्योंकि उनका जीवन, उनका जवान सही नहीं आ गया। कैसे आप आशीषित हो गया? आज अपना जबान को ढांप लीजिए, मुंह को ढांप लीजिए आज कलीसिया, ऐसे एक परमेश्वर के दास, ऐसे एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास के बारे में मैं बताऊंगा, तो बता करके समाप्त करूंगा। आज बहुत सारे लोग जो अपने जीवन को, जबान को कंट्रोल में ले रहे हैं, जिसके कारण आप श्रापित जीवन जी रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है ये मुंह से जो भी गंदी बात निकला इसके द्वारा लोग क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। इसके द्वारा उनकी मन की आंखें, जो आत्मिक आंखें प्रभु ने खोला है ना, वो भी अंधी हो जाता है। देखिए जल्दी से मैं साफ दिखा के पड़ेगा गिनती के पुस्तक गिनती के पुस्तक 22वें अध्याय छह और सात बजे पड़ेगा। इसलिए आप और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, अतः संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। देखो मुआब के अराबा में जो वहाँ के लोग था, और वहाँ पर जब इजरायली लोग डेरे डाले गए थे तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोगों से ज्यादा कौन लोग हो गया? इजरायली लोग हो गए। इजरायली लोग हो गया तो इजराइल का जो राजा है वो, हाँ फिलिस्तीनियों का जो राजा है वो सोचने लगा, अरे ये लोग तो ज्यादा हो गया और ऐसे हम हार जाएंगे, आगे हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। तब हालेलुया ये पता किया किस पर हम कैसे जयवंत पाए, तब पता चला हालेलुया एक बलाक, हालेलुया बलाक का क्या है? एक बेटा है, इसको क्या बोलते हैं? बिलाम। उसको पर याद रखो, उसके बारे में पता चला कि वो जिसको आशीष देता है वो क्या हो जाता है? आशीषित हो जाता है, और जिसको श्राप देता है वो क्या हो जाता है? श्रापित हो जाता है। कलीसिया आप दूसरे के लिए आशीष का बात बोलेंगे वो आशीषित होगा, दूसरे के लिए श्राप का बात बोलेंगे वो श्रापित हो जाएगा।
एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप ले। उसका लेखा लेता है, उसका क्या करता है, लेखा लेता है। और ये बिलाम के पास में फिर आया, लोग आए राजा के द्वारा काला भेजा कि राजा ने ऐसा ऐसा बोला है, अच्छा आप साथ मेरी कही, इसलिए अब आप उसके पास लोग भेजे गए और लोगों के द्वारा संदेश पहुंचाया जा रहा है बिलाम के पास। तो और बिलाम अपने घर में उसको बुला रहा है कि इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त क्या कर दे, उस इज़राइल लोगों को मेरे निमित्त क्या कर, श्राप दे। राजा बोल रहा है कि उनको श्राप देना है तुझे, और आगे कह रहे क्योंकि मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि हम उन पर क्या हो जयवंत हो जयवंत और हम उन सबको इन अपने देश से क्या करें, मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है क्या हो जाता है, श्रापित होता है। तो ये काम करने के लिए किसको बुलाया जा रहा है, बिलाम को बुलाया जा रहा है। फिर हम बोल दिया मेरे से तो ऐसा नहीं होगा लेकिन प्रभु से पूछ के बताता हूँ, बोल रहा हूँ हालेलुया, प्रभु से पूछ के क्या कर रहा हूँ बताता हूँ, बोल रहा है हालेलुया हालेलुया। तब देखो उसका पढ़िएगा 12 पद। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा। देखो तब ये बिलाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे को क्या करना है आप बताओ, क्या आशीष देना है क्या श्राप देना है, प्रभु से प्रार्थना करके पूछ रहा है, क्योंकि वो बोला मेरे को परमेश्वर, ये बिलाम बोलते मेरे को परमेश्वर जो कुछ बोलेगा मैं वही बोलूंगा, आप क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर बोलते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये बोल रहा है मेरे को परमेश्वर जो बोलेगा मैं वो करूंगा। परमेश्वर से पूछता है तो वो बोलता है, परमेश्वर बोलता है उन लोगों के साथ जाना भी मत, बोलना तो क्या है दुर्ग बंद है जाना मत, हालेलुया। और बिला उसका 14 पद पढ़िएगा। तब मुआवी हाकिम चले गए और बलाक के पास जाकर कहा बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। हाँ, ये बलाक उस समय का वो राजा था उसका उसके बारे में है हालेलुया, और उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, ये बिलाम क्या नहीं कर रहा है, नहीं आना चाह रहा है। तो अब इसने क्या किया मालूम है हालेलुया, 17 पद से पढ़िए बलाक ने क्या किया, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। और ये बलाक ने राजा ने फिर से उसके पास क्या किया, लोग भेजा के 15 वचन में पढ़ोगे तो लिखा है इस पर बलाक ने फिर और हाकिम भेजे, तो भेजने के बाद उसको क्या बोला पढ़िएगा 17 पद से, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। और उसको बोल रहा है बिलाम को बोल रहा है कि निश्चय मैं तेरी क्या करूंगा, प्रतिष्ठा करूंगा, मतलब तुझे आदर मान दूंगा। और आगे, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहेगा वही मैं करूंगा, बिलाम को बोला जा रहा है, राजा बोल रहा है तू जो बोल सो तेरे लिए होगा। और आगे, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, और उन लोगों को मेरे निमित्त क्या कर दे, श्राप दे, दे दे। आगे भी पढ़िए, बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को उत्तर दिया चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भर कर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटा कर या बढ़ा कर मार दूं। तब उसका 20 पद, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, देखो हालेलुया, अब ये परमेश्वर जो है बिलाम को परा कर रहा है क्योंकि इसके मन की बात जान रही है, ये पहले तो याद रखना इसको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं था, क्यों, परमेश्वर किसी को श्राप देने के लिए बोलेगा ही नहीं इसको, इसने पहला गलती किया मालूम है, जाकर प्रार्थना किया प्रभु से पूछा जाना है कि नहीं जा रहा है, प्रभु बोलता तो जा रहा ही नहीं, अब ये हो सके दोबारा प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि दोबारा आदर मान प्रतिष्ठा का बात आ गया, प्रतिष्ठा तो बात आ गई है, रात को फिर परमेश्वर इसके पास आया, अब बात आया तो क्या हुआ, आगे पढ़िए, यदि वे परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। उसको 19 पद पढ़िए, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिक रहो ताकि मैं जान लू की जरूरत ही नहीं,
परमेश्वर का संदेश आ चुका है कि नहीं जावा है। ये जब आदर मान प्रतिष्ठा का बात आया ना, परमेश्वर का क्रोध बढ़ा गया। ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु, तो प्रभु उसको परखने के लिए बोल रहा है क्या कि वहां चले जाना, क्या करना चले जाना, लेकिन मालूम है मैं जो बोलूंगा क्या करना वही बोलना। तो हुआ क्या, 21 पद पढ़िए। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क। बस क्या हुआ, ये केवल अपना मुंह खोलने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर का कोप भड़क गया। जब कलीसिया अपना मुंह गलत बातें के लिए खोलने के लिए मालूम है थोड़ा बहुत इधर उधर करता है ना, परमेश्वर का कोप भड़क जाता है। अभी ये श्राप दिया नहीं है, लेकिन जैसे ही मन में विचार कर लिया मेरे को जाना है श्राप देने का, इसको जाना ही नहीं है श्राप देने के लिए। परमेश्वर पहले से मना किया लेकिन इसको परख रहा था तू जा, और जैसे ही जाने के लिए निकला परमेश्वर का कोप भड़क गया। आज कलीसिया जैसे मालूम है दूसरे के प्रति मन में गलत विचार कर लेता है ना, आज दूसरे का निंदा और बुराई करने का सोच लेता है, दूसरे के विरोध में झूठी बातें बोलने का सोच लेता है, परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। और विलाम के लिए जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, दूसरे की भविष्य की बातों को जान लेता है, दूसरे को आशीष देता है आशीष होता है, दूसरे को श्राप देता है श्रापित हो जाता है। परमेश्वर जान गया उसके जीवन की बातों को और जाना मालूम है जैसे ये अभिषिक्त दास ने अपने मुंह से गंदी बात श्राप की बातें बोलने के लिए जरा परमेश्वर का क्या हो गया। जब हम अपने मुंह से झूठ निंदा गाली ये बुराई निकालते हैं ना, परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। और परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है ना, कोई शांत करने वाला नहीं है। बाइबल बताती कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर का क्रोध। आज बहुत सारे मसीह कलीसिया मसीह परिवार ने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को आने को रोक करके परमेश्वर के क्रोध को आने के लिए देता है, परमेश्वर का क्रोध को अपने जीवन में भड़कने के लिए देता है। हालेलुया हालेलुया। अब ये तैयार हो गया और जा रहा है तो 23 पद में क्या हुआ पढ़िए। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मैदान में खड़ा दिखाई पड़ा। अब ये अपने गधी में बैठकर क्या कर रहा है, जा रहा है कौन बिलाम, जा रहा है आराम साथ मस्त। याद रखना, दूसरे को श्राप देना है, दूसरे का निंदा कर देना है, दूसरे का बुराई कर देना है, दूसरे का चारी विचारी कर देना है। कितने लोग अपने घर से पल में निकलता है, अन्य जाति घर में जाता है क्या करने के लिए, दूसरे का निंदा बुराई करने के लिए। थोड़ा विश्वासी ध्यान देना, हालेलुया, दूसरे का बुराई करने के लिए अपने घर से निकले ना, तो मालूम है एक स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत क्या था मालूम है, तलवार लेकर है। जब आप अपने घर से दूसरे को बुराई करके निकलेंगे ना, तो जिंदा घर आएगा नहीं, आएगा नहीं, मार डालेगा प्रभु तुझे उधर ही। ये कहा गया स्वर्गदूत आया नंगी तलवार लिए, अब ये तो देख नहीं रहे कौन बिलाम, दूसरे का भविष्य जानने वाला, इसका कोसा रोल खत्म। जब मुंह से गंदी बात निकलता है ना, सोच लेते हैं मालूम है सारा भविष्यवाणी खत्म हो जाता है। बड़े बड़े अभिषेक का लोगों का रोल खत्म हो जाता है, मिलान का रोल खत्म हो गया, स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा है, और स्वर्गदूत को देख कौन रहा है, पढ़िए। तब गधी मार्ग को छोड़कर खेत में चली गई, तब बिलाम 23 पद को फिर से पढ़िए, 23 को फिर से पढ़िए। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। देखो किसको दिखाई दिया, तब गधी को यहोवा का दूत जो है हाथ में नंगी तलवार ले क्या किया, दिखाई दिया, मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। और आगे तब गधी मार्ग को छोड़कर खेत में चली गई, तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। अब ये तो मालूम है स्वर्गदूत को देखा कौन, गधी देखा, गधी देख के भाग गया, उसको डर आ गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं। मालूम है तब ये क्या कर रहा है, बिलाम गधी को मार रहा है, हालेलुया, उल्टा चोरी कोतवाल को डांटे वाला कहानी। आज लोग खुद बुराई करता है मालूम है, और दूसरे के ऊपर दोष लगाता है, खुद गलत काम किया रहता है दूसरे के ऊपर दोष लगाता है, हालेलुया। बिलाम खुद गलती कर रहा है और दोष किस पर लगा रहा है, मार किस पर है, गधी को मार। आज कलीसिया इसी में किया,
खुद गलती कर रहा है, लेकिन मालूम है डांटने का और मालूम है हालेलुया दूसरा दूसरे को क्या करेगा। हालेलुया। और खेत में चला गया, मारा फिर आया, क्रिकेट भी चला गया फिर आया, उसके बाद ऐसे दो तीन बार हुआ और मालूम है 27 पर आगे बढ़ेगा। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गद ही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा। अब बिलाम का कोप भड़क गया क्योंकि गधी बैठ गया, क्योंकि वो दूत को देखकर जा ही नहीं रहा है, जाएगा तो मारेगा, तो बिलाम इधर मारा, बिलाम का कोप भड़क गया और आगे गधी को लाठी से मारा। तब परमेश्वर ने क्या किया, गधी का क्या कर दिया, मुंह खोल दिया। और गधी क्या बोल रहा है, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे तीन बार मारा। हाँ, ये गधी बोल रहा है, सुन बिलाम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मुझे कितना बार मार दिया, तीन बार मारा। हालेलुया, गधी को गिनती आ गया। हालेलुया, अब इसी तक बिलाम का एबीसीडी गिनती सब खत्म, लेकिन मालूम है पढ़ा लिखा नहीं है, कौन गधी बोल रहा है तीन बार तूने मेरे को मारा। हालेलुया, और आगे भी क्या हुआ, बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी। बस देखो क्या लिखा है, गधी क्या बोल रहा है, मेरे को तूने तीन बार मारा और अभी बोल रहा है तू मेरे को क्या करेगा, मार डालेगा। लेकिन तू जब पैदा हुआ ना, तेरे से पहले मैं पैदा हुआ बोल रहा है गधी, तू जन्म से ना मेरे ऊपर बैठता आ रहा है। हालेलुया, आज कितने बच्चे लोग माँ बाप को ऐसे मार डालने का सोचते हैं, उसी ने पाला पोसा है गधी, मालूम है बिलाम को पाला पोसा है, अपने ऊपर बैठा करके लेके जा रहा है। अब ये बिलाम क्या बोल रहा है, मैं तेरे को मार डालता। आज बहुत सारे परिवार में ऐसे श्रापित लोग हैं, अपने से बड़े लोगों को क्या बोलेगा, मैं तेरे को मार डालता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता, फलान कर देता, निकान कर देता। गधी बोल दे उस जगह में, मैंने तो तेरे को जन्म से क्या क्या पाला पोसा है, तेरे को बैठा के लेकर गया, तू मेरे को मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे जिन माँ बाप ने हालेलुया बच्चे लोगों को पाला पोसा, जिसको खिलाया, जिसको हालेलुया सब चीज उसका पालन पोषण कर रहा है, जरूरत को पूरा कर रहा है, उसी को मालूम है आज मालूम बच्चे लोग क्या बोलते हैं, इसका दिमाग सटिया गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, याद रखना श्रापित होगा। बिलाम बोल रहे थी और हुआ क्या मालूम है, वो हालेलुया गधी बातें किया और क्या कहा 31 पर, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। अब तक क्या था, बिलाम का आंखें बंद हो गया था। जिस दिन याद रखना कलीसिया अपने मुंह से श्राप की बातें दूसरे का निंदा और बुराई करता है, उस दिन से मालूम है जिस परमेश्वर ने उनकी मन की आंखों को खोला है ना, मालूम है उसको अंधी भी कर सकता है। बिलाम का आंखें अंधी हो गया, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, बस इसको तो धन संपत्ति और प्रतिष्ठा चाहिए। लोगों को मालूम है आज आदर मान चाहिए, इसी कारण मालूम है जब लोगों के बीच में गवाही देने का समय आता है, मालूम है आराम से चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि मान अपमान मान मर्यादा का सवाल आ जाता है, प्रतिष्ठा चाहिए, आदर चाहिए लोगों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोला है बोला, तुझे जो कुछ करेगा मैं दूंगा, प्रतिष्ठित करूंगा तुझे। ये बिलाम वही कर रहा है, मेरे को आदर मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। हालेलुया, और बहुत सारे कैसे ऐसे आदर मान के चक्कर में, बड़े प्रतिष्ठित होने के चक्कर में प्रभु के नाम को निंदा करता है, गवाही नहीं देता है, दूसरे को बोल नहीं सकता है मैं मसीह का लोग हूं कर, क्यों मालूम है, क्यों नहीं बोलता मालूम है, उनकी आंखें अंधी हो चुका है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आंखें खोला और खोला ना, तब दिखाई दिया स्वर्गदूत, देख रहे हैं तो याद रखो स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आज आप कलीसिया बिलाम की तरह अभिषिक्त है, आपने आत्मा पाया होगा, आपने प्रार्थना किया है, आपने आंसू बहाया है,
आपने विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चला है, लेकिन आज यदि आपने अपना जवान अपना मुंह ढाक करके नहीं रखा हुआ है, मालूम है गधे के द्वारा आपकी निंदा बुराई कराएगा, गधे के द्वारा लज्जित कराएगा। कितना श्रापित भरे जीवन है याद रखना, जो मालूम है इसका एक जानवर जो है इसका निंदा कर रहा है, इसका नाम का प्रभु याद रखना। यदि तेरे ये शत्रु के सामने मेरे पीछा सकता है ना, यदि तू प्रभु के नाम पूछा नहीं उठाएगा, प्रभु के नाम पे यदि निंदा का कारण है, याद रखना तू जिसका सोच के रखा है ना, तू सबके सामने लज्जित होगा। बिलाम सबके सामने लज्जित हुआ, क्योंकि याद रखे गधे के सामने लज्जित हो गए। गधे को स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आज कलीसिया जवान तेरा सही नहीं है ना, मालूम है छोटे छोटे लोग गधे क्या छोटा है, तुच्छ प्रजाति का, तुच्छ लोगों से तेरा निंदा कराएगा, सबके सामने तू एक दिन श्रापित बनेगा, सबके सामने तुझे निंदा को झेलना पड़ेगा, सबके सामने तुझे झुकना पड़ेगा। आज प्रभु जो है अपने लोगों को तो झुकने देना नहीं चाहता, उसको उठाना चाहता है, कुछ नहीं सीट ठहराना चाहता है, प्रधान के साथ खड़ा कराना चाहता है। लेकिन जिसका मुंह जो कलीसिया अपना मुंह ढाक करके नहीं रखा है, जो विश्वासी अपने मुंह को झूठ बोलने से रोक के नहीं रखा है, जो गाली बकने से रोक करके नहीं रखा है, जो बुराई करने से रोक के नहीं रखा है, मालूम है ऐसे कलीसिया पक्का निंदित होगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का कौन भड़क जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया आज अपने मुंह को ढांप लीजिए। यदि मैं बताऊं, ये दो पंख मुंह याद रखना, जो शराब दो पंख से अपने मुंह को ढापा था, ये दो पंख यही है जहां क्रोध की बातें हैं, जो आपको निंदा और बुराई हो रहा है, मालूम है उस जगह में उस बातों को सह लीजिए। एक सहनशीलता का याद रखना आपके पल्ले पंख है, उस जगह में आप सहन कर सकते हैं। प्रभु ने बोला सहनशीलता को धारण करो। हालेलुया। बहुत जगह में ऐसे ठेस भरे बातें होगा जिसमें मालूम है आपको बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन बाइबल बताती है तेरे पास प्रभु ने एक आंसू का जीवन भी दिया है, आंसू का वरदान के बारे में बोला। उस जगह में आंसू के साथ कुटी करा, मुंह खोले कर जरूरत रहे, मुंह खोलेगा तो पक्का है परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, और मालूम है आगे चलकर तू उनके बीच में लज्जित होगा। आज कलीसिया दूसरे के बीच में लज्जित क्यों हो रहा है, दूसरे के बीच में निंदा का कारण भी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज कलीसिया ने अपना मुंह बंद करके नहीं। हालेलुया। अपने मुंह से श्राप की बातें बोल रहे कलीसिया, ऐसे लाम की तरह श्राप देने के लिए जाता है, दूसरे का निंदा करने के लिए जाता है, दूसरे का बुराई करने के लिए जाता है। आज कलीसिया अपने याद रखिएगा, कलीसिया को परमेश्वर कहता है तेरे मुंह से आज निंदा बुराई झूठ ये कोई भी याद रखना नहीं निकलना चाहिए, यदि निकला तो समझ जाना हालेलुया तू अशुद्ध हो चुका है, तेरे लिए प्रभु का कोई दया प्रकट नहीं होगा। हालेलुया। अरे अपने मुंह से कुछ बोला है ना, तो प्रभु ने एक बात बोला, यदि तेरे सामने में ना ये पहाड़ है ना, यदि तू बोल देगा ना इसको समुद्र में जा पर, तो तेरे लिए क्या हो जाएगा। अपने मुंह से बोलना तो विश्वास की बातें बोलिए। हालेलुया। अब्राहम बोलता था अरे मैं जाऊंगा मेरे बेटे को बलिदान चढ़ाऊंगा, वो मरेगा कि नहीं मरेगा नहीं मालूम, लेकिन वो मेरे बेटा और मैं दोनों के दोनों वापस आएंगे, विश्वास की बातें बोला। याद रखना रोमियो की पत्री में पढ़ोगे तो अब्राहम ने मालूम है बोला मेरा परमेश्वर मेरा मरी हुई दशा में आज भी संतान पैदा करने में कौन है सामर्थी परमेश्वर। अपने जीवन से कुछ बोलना है ना, विश्वास की बातें बोलिए। आज अपने पास धन धरिए, बोलिए प्रभु ने मेरे जरूरत को पूरा किया है। हालेलुया। आज आपके पास निर्भरता है, बोलिए प्रभु ने मुझे बल दिया है। आपके पास आशीष चाहिए आज नहीं है, लेकिन बोलिए प्रभु ने मुझे आशीष दे दिया है। आज मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन बोलिए प्रभु मेरे को अच्छा लोग दे रहा है। आज मेरे पास अच्छा माँ बाप नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा से अच्छा माँ बाप दिया है। बोलिए विश्वास की बातें अपने जीवन से, जो निंदा की बातें को निकाल कर मालूम है विश्वास की बातें अपने जीवन से बोलिए। प्रभु ने आपको जीवन से भी बढ़कर बनाया है, बोल दीजिए हे शत्रु तू मेरा क्या कर सकता है, तेरे को तो मेरा प्रभु ने मेरे पैरों के नीचे पहले से कर दिया है। आज हम विश्वास की बातें नहीं बोलते, परंतु निंदा और बुराई और ऐसे बातों को बोलते हैं जिससे हमारी सारी पवित्रता चले जाते हैं, सारे हम अब पवित्रता से हटकर एक अशुद्धता में आ जाता है कलीसिया। और इससे मालूम है आज पूरे कलीसिया जो है हालेलुया पूरे कलीसिया का हालेलुया क्या कर रहा है, निंदा का कारण बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आज अपना मुंह ढांप लीजिए। यसायाह देख रहे
सरगदू सराग को जिसके 6 पंख है और उसने उस 2 पंखों से क्या कर लिया, मुंह को ढांप लिया। ये 2 पंख कलिशा के एक आंसू है, दूसरा जो है संस्कृत है। मुंह से कुछ गलत बातें बोलने से अच्छा आप रोकर बैठ जाइए। हालेलुया। गंदी बातें निकालने से बढ़कर आप याद रखना मार तो सह लीजिए, इससे ढांप लीजिए अपने मुंह को, रोक लीजिए अपने जीवन को। क्या घोड़े के, याद रखना जबान पर लगाम लगाया जाता है, जब जबान पर उसका लगाम लगाता होगा उसको दर्द नहीं होता होगा। आपको याद रखना आपका जीभ को कंट्रोल करने से करने के लिए में दर्द को झेलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जगह सहना पड़ेगा। यदि आज अपने जबान को आप कंट्रोल में करने वाले नहीं है, बिलाम की तरह परमेश्वर आपको लज्जित करेगा। बिलाम के जो मेरी परमेश्वर का कोप भड़क गया तेरे जीवन को, और बाइबल बताता है परमेश्वर को क्रोध को अवसर ना दो। परमेश्वर को क्रोध करने का क्या मत दो। आज कलीसिया आपके जीवन में याद है प्रभु का कोप भड़क के पहले प्रभु कहता है आज अपने मुंह और अपने मुंह से गंदी बातें नहीं परंतु विश्वास की बातें बोलिए। अपने मुंह से ऐसे बातों को बोलिए ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो जाए, दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन जाए। अपने मुंह से वचन की बातें बोलो, दूसरे के लिए आशीष का बातें बोलो। हालेलुया। दूसरे के लिए श्राप का निंदा का बातें नहीं बोलना है कलीसिया को। आज आज हम कौन सी बातें बोल रहे हैं, क्या ऐसी आशीषित होंगे? विश्वास से जो बोलेगा ना उसको तेरे लिए हो जाएगा। निंदा का बात मत बोलो, विश्वास के साथ अपने मुंह से अपने जीवन के लिए आशीष की बातें बोलो, अपने छुटकारे की बातों को बोलो विश्वास से कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। विश्वास के साथ बोलिए मेरे जरूरत को प्रभु ने पूरा कर दिया है। विश्वास के साथ बोलिए मेरे परिवार का प्रभु ने उद्धार कराया है। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलिए ये पहाड़ जैसे समस्या जो मेरे सामने में खड़ा हुआ है ये समुद्र में जाकर पड़ चुका है। आप जो बोलेंगे फिर आपके लिए होगा। हालेलुया। विश्वास की बातें बोलना छोड़कर यही बात यदि वचन में लिखा है। हालेलुया। एक वचन जल्दी से पढ़कर समाप्त करेंगे। निर्गमन 14 अध्याय बातें को बंद करो, विश्वास की बातों बोलो।
और देखो परमेश्वर का काम। जब विश्वास की बातें बोलोगे ना, परमेश्वर का काम आपके जीवन में प्रकट होगा। निंदा और बुराई की बातें बोलोगे ना तो आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह या अपना छुटकारा प्रकट नहीं होगा। लेकिन जब विश्वास की बातों को बोलोगे तो परमेश्वर का काम आपके जीवन प्रकट होगा। और मालूम है मूसा ने जैसे लाल समुद्र पे लाठी बढ़ाया, लाल समुद्र दो भाग हो गया और जितने इजराइली उनको मार रहे सारे मिस्री लोग उनको मारने के लिए आए थे, सारे समुद्र में क्या हो गया, डूब कर मर गया। क्यों? मूसा ने जो विश्वास के साथ बोला परमेश्वर ने वैसे किया। जब आप विश्वास के साथ बोलोगे परमेश्वर आपके लिए वैसे करेगा। लेकिन मालूम है अपने जीवन में श्राप की बातें नहीं आशीष की बात बोलिए, अपने जीवन में अनुग्रह की बात बोलिए, दूसरे की जीवन की बदलाहट की बात बोलिए, दूसरे के जीवन के आशीषित होने का बात बोलिए। आप विश्वास की बातें को आज बंद कीजिए, निंदा और बुराई की बातों को आज बंद कीजिए, वो निंदा और बुराई की बातों को ढांप लीजिए और विश्वास के साथ बोलना चालू कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा हुआ लाल समुद्र में भी इनके लिए रास्ता खुल गया। विश्वास के साथ बोलने वाला, प्रभु की स्तुति आराधना करने वाला, उनके लिए मालूम है रास्ता जहाँ नहीं है वहां उनके लिए रास्ता खुल जाते हैं। लेकिन जो निंदा और बुराई की बातें बोलते हैं उनके लिए परमेश्वर का कोप भड़कता है, उनकी आंखें अंधी हो जाता है। हालेलुया। वो उनको लज्जित होना पड़ता है जैसे बिलाम को गधी के सामने भी लज्जित होना पड़ा। यदि आज आपको मुंह जबान सही नहीं है आपको याद रखना दूसरे लोगों के पास से लज्जित होना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आज आपका जीवन सही है, आपने अपनी जबान को कंट्रोल में रखा हुआ है, यदि आज अपने मुंह को आप ढांप लेंगे परमेश्वर आपके जीवन के हर एक असंभव कार्य को संभव करेगा। अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें क्योंकि अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी आंखों को बंद करें।